फ्रेंड वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम म्यूसीडे यानी एसिटाइल सिस्टीन एंड एसीब्रोफाइलिन टेबलेट का रिव्यू करते हैं। तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एसिटाइल सिस्टीन इसमें 600 mg और जो है एसीब्रोफाइलिन 100 mg, ये कॉम्बिनेशन की ये टेबलेट है। और ब्रांडिंग की बात करें तो म्यूसीडियन आप देख रहे हैं काफ़ी फेमस ब्रांड है और म्यूसिनिक ए बी और भी ब्रांड नेम से आपको मिल जाएंगे, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या यूजेज की। तो ये अस्थमा में यानी जिन पेशेंट को अस्थमेटिक जो पेशेंट हैं उनको डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिनको है उनको भी ये दिया जाता है, या निमोनिया के कंडीशन में जिनको जो है ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। यानी अगर आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक में म्यूकस फिल है, तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। वहीं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें या कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि यह दवा कैसे काम करती है, तो ये गाढ़े बलगम को ढीला करके बाहर निकालने का काम करती है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन की दवा है एसिटाइल सिस्टीन एंड एसीब्रोफाइलिन, तो ये क्या करती है, म्यूकोलाइटिक एंड ब्रॉन्चो डायलेटर एजेंट है। ये क्या करती है, वर्क करती है रिलैक्सिंग ऑफ मसल्स एयरबेज आल्सो थिंग्स जो थिक्स म्यूकस है, जो थिक यानी जो गाढ़ा म्यूकस है उसे लूज करके, और ये म्यूकस को जो है बाहर निकालने का काम करती है, जिससे कि आपकी जो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से ये कार्य करती है। वहीं साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो है वोमिटिंग यानी उल्टी होना, हार्ट बर्न होना, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द, अपसेट स्टमक, रेसेस, इचिंग, नोजल इन्फ्लामेशन, ये जो है इसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वहीं डोजेज की बात कर लेते हैं तो 1 tablet OD यानी दिन में एक बार आफ्टर मील जो है दिया जाता है, लेकिन जो अगर डॉक्टर आपके जो है अगर कंडीशन पेशेंट का ज़्यादा सीवियर है तो 2 tablet भी रिक्वायर्ड यानी दे सकते हैं। वहीं 12 साल से कम एयर के बच्चों को नहीं देना है और जिन प्रेग्नेंट माताओं को भी नहीं देना है। और सेफ्टी एडवाइस की बात करें तो अल्कोहल, प्रेग्नेंट या जो ब्रेस्ट फीडिंग या ड्राइविंग, किडनी लीवर की डिजीज है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ओके, थैंक।